हेलो बच्चों, आज को इस वीडियो में हम कक्षा 12 का राजनीति का मासिक मूल्यांकन देखेंगे अगस्त माह का। इसमें जो पहला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन क्या कहलाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेंगे इनके उत्तर। और इनके उत्तर हमने टेलीग्राम पे दे दिया है, तो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार वहाँ से ज़रूर देख लेना है। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। जनवरी 1995 में विस्थापित भारतीय चुनाव उपयोग के पहले चुनाव आयुक्त थे, कौन थे ये बताना। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क और सदस्य नहीं है बताना। ये रिक्त स्थान दिए गए हैं कि पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी, कौन रही थी। खान अब्दुल गफ्फर को नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से। यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम है क्या है। सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, सही जोड़ी ये देख लेंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ था, एक हिंदू राज्य कौन बना था, धान की 10 बालियां और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह। एक शब्द में उत्तर बताना है, यहाँ पे दिए गए हैं प्रश्न। पहला, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। भारत में दल प्रधानता के युग में किस दल को सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया था। श्रीलंका का जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका थी। अति लघु उत्तरी प्रश्न है ये, आसियान संगठन क्या है, यूरोपीय संघ का उद्देश्य बताना है। ये हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न है, तो इन्हें भी हमें देख लेना है।